हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे सुपर फास्ट स्टडी पे। मैं हूं तरुण वर्मा और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहता हूं जो कि साइंस से रिलेटेड होते हैं, या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड होते हैं, या तो वो होते हैं मशीन्स जो कि रनिंग कंडीशन में होते हैं। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ फील्ड से मशीन को, कोशिश करता हूँ मोस्ट प्रोबेबल, और साइंस से रिलेटेड वीडियोज़ डालता हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले हुए हैं, जैसे कि मैंने लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन का वीडियो डाल रखा है, शेपर मशीन का वीडियो डाल रखा है, मैंने टाइप्स ऑफ गियर के बारे में वीडियो डाला है, गियर ट्रेंस के बारे में वीडियो डाला है। तो मोस्टली मेरे वीडियोस ऐसे होते हैं जिसमें मैं फील्ड से आपको दिखाता हूँ कि आखिर में मशीन होता कैसे है और वो क्या काम करता है, कैसे दिखता है, चलता कैसे है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इन सब में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। और तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे एनीमोमीटर के बारे में। ये है एनीमोमीटर, एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम विंड की वेलोसिटी, विंड या फिर हवा बोल सकते हैं आप, हवा की जो स्पीड है उसको मेज़र किया जाता है इससे। तो थैंक यू वेरी मच। अभी देखते रहिए, आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या है एनीमोमीटर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एनीमोमीटर के बारे में। मैं आपको दिखाता हूँ एनीमोमीटर। ये देखिए, ये है एनीमोमीटर और ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो एयर की वेलोसिटी को मेजर करता है। इसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं। ये है इसका स्क्रीन, आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे चार दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4। ये अलग अलग, मतलब जैसे कि मीटर पर सेकंड हो गया, अलग अलग यूनिट में विंड की या फिर एयर की वेलोसिटी को बताते हैं। और ये इसके स्क्रीन है, देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया है। और ये है इसका फैन, या आप इसको इम्पेलर भी बोल सकते हैं। ये ही मेज़र करता है एयर की वेलोसिटी को, जितना तेज हवा चलेगा उतना तेज ये घूमेगा ये पंखा, ये जो फैन है, और जितना तेज घूमेगा वैसे ही रीडिंग यहाँ बताएगा। अब मैं आपको फूक करके दिखाऊंगा, यहाँ पे मैनुअली रीडिंग देखिए, आप देखिए मैंने फूक लगाई और ये 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड देख सकते हैं क्लियरली। फैन जितनी तेज घूमेगा, मतलब जितनी तेज हवा होती है उतना तेज ये फैन घूमता है और यहाँ पे डायरेक्ट रीडिंग आ जाती है। अभी मैंने इसको सेट कर रखा है मीटर पर सेकेंड में, तो ये आपको बताएगा मीटर पर सेकेंड में क्या है वेलोसिटी ऑफ विंड। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इक्विपमेंट है जिसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए, हम जीके में पढ़ते भी हैं। और एनीमोमीटर क्या होता है हमको मालूम होना ही चाहिए अगर हम इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा और आपके काम का है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच, और कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, मैं ऐसे ही वीडियो और लाता रहूँगा आपके लिए।